हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 46। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इजिली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी मैं 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा वो पूर्णतः BPSSC के पैटर्न पे बनाया गया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जाम्स वाली फीलिंग आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्राचीन भारतीय इतिहास में किसने पृथ्वीराज प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को पृथ्वीराज वीर प्रथम की उपाधि दी गई थी। फ्रेंड्स मैं आपको और बता दूं, समुद्रगुप्त को जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से भी जाना गया है। भारत के नेपोलियन के नाम से तो आपको पता ही होगा कि इन्हीं को जाना जाता है, BA स्मिथ ने इनको कहा था। और एक और उपाधि आपको याद रखना है कि इनको पराक्रमांक के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आज इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 40 लाइक्स का। आपको 40 लाइक इस वीडियो को करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुगल काल में कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी, यह कहाँ स्थित है। यानी कहने का मतलब ये है, कारंगी महल जो मदरसा है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे लखनऊ में। मुगल कालीन में कारंगी महल जो मदरसा था वो मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए काफी विशेषता हासिल की थी, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है वो कहाँ पे, चेन्नई में पड़ता है, और इसको ब्रिटिश ने 1644 ईस्वी में बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर फोर्ट सेंट डेविड की बात करें तो यह मराठा की संपत्ति थी, लेकिन मराठों ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1590 ईस्वी में बेच दिया था, ठीक है। और अगर ऑप्शन डी के बारे में देखें, फोर्ट सेंट एंजलो, तो फोर्ट सेंट एंजलो है, इसको कुन्नूर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया पहला किला था जो कि 1505 ईस्वी में बना था। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे ब्रिटिश ने बोला है, तो ब्रिटिश ने सबसे पहला जो किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज 1644 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागलपुर। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर यानी कि हजार स्तंभों वाली एक मंदिर थी, और एक विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कराया था, क्लियर। और ये तुलु वंश का सबसे महान शासक था, याद रखेंगे। कृष्णदेवराय के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको बहुत कुछ बता चुका है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और बुद्ध के बारे में सही है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, और उसके बाद आपको राइट आंसर करना है, क्लियर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म सिद्धांतों का एक समूह वकालत थी, तो ये देखिए पॉइंट्स गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये गलत क्यों है, क्योंकि बुद्ध ने किसी भी प्रकार के कोई भी नया धर्म या फिर नया कोई भी जो भी समूह है उसकी स्थापना करने का प्रयास कभी नहीं किया था। तो इस पॉइंट का अगर नज़र देखें तो ये गलत हो जाता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने अपने अनुयायियों के 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था, ये पॉइंट्स करेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य इस प्रकार के दिए थे कि विश्व में दुख, दुख का कारण, दुख के उपाय और दुख का विनाश करने के उपाय, इन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना, क्लियर। और थर्ड पॉइंट के बारे में देखें तो उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ना तो खाराज किया था और ना ही स्वीकार किया था, तो ये पॉइंट्स भी राइट है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शकों के उन्मूलन करने के बाद।
चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन करने के बाद दी गई थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर आयर कुट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे सर आयर कुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। एक चीज आपको याद रखना है कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1781 ईस्वी में याद रखेंगे। अगर ऐसे पूछ ले कि पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में किस नदी के किनारे हुआ था, तो इस चीज को भी याद रखेंगे कोलेरून नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, कोलेरून नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, सभी को काल क्रम के अनुसार लगाइए। क्लियर, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट और दिए गए, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना राइट आंसर चूज कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो राइट आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक अलग अलग पॉइंट्स जो दिए गए उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉइंट्स है कि भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में, ठीक है, इसके यहाँ पे लिख देते हैं। हरियाणा राज्य कब बना था, तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 ईस्वी में, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। मैसूर राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक कब किया गया था, तो 1973 में, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेघालय और त्रिपुरा राज्य का पूर्ण राज्य बना कब था ये, तो 1972 में। अब हम लोग इसको सजाने की कोशिश करते हैं कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहला 1966 यानी कि ऑप्शन दो होना चाहिए। तो देखिए दो के बाद 67 आएगा, 2-1 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इन चारों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार का नींव जो डाला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, लेकिन पूर्णतः जो उसका निर्माण जो हम वर्तमान में देखते हैं दिल्ली का कुतुब मीनार, वो पूर्णतः बनाया गया लास्ट तक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसने अपने काल में अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके सिर्फ 4 करों को लगाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला ये मुसलमान शासक पहला मुसलमान शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इसी के शासनकाल में जो टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के दो स्तंभ लेखों को ये दिल्ली ले गया था, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के समृद्ध बंदरगाह था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, ताम्रलिप्ति ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको क्या कहते थे, पर्ण के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे पर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है, किशनगढ़ पेंटिंग की विशेषता क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि खूबसूरती से दिखाई गई महिलाएं जिनके कान के पास बालों की लट बिखरी हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह किशनगढ़ पेंटिंग की काफी खास विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गौवध को निषेध किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि बकरीद के अवसर पर गौवध को निषेध किया गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखना 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है, गोल्डन थ्रैशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू की लिखी गई पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, और ये जो इनकी कविता संग्रह है सबसे पहली कविता संग्रह, और इन्होंने ये लिखी थी 1905 ईस्वी में, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या, भारतीय पेंटिंग के संबंध में सही जोड़ी चुने। आपको फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दिए गए, उस सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इसके बाद अपना राइट आंसर गेस करेंगे।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया चित्रा सूत्र। चित्रा सूत्र के साथ क्या मैच किया गया, पेंटिंग का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया में पेंटिंग का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑप्शन सेकंड को देखें तो जोगी मारा गुफा जो चित्र है यह बुद्ध काल के पूर्व के चित्र है, ये पॉइंट्स भी करेक्ट है। और ये कहाँ से मिला है तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जो क्षेत्र है वहाँ नर्मदा नदी का उद्गम के पास से ये मिला था गुफा चित्र। तो ये पॉइंट्स भी राइट आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए क्या है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर राइट कर दिया होगा, लॉर्ड कर्जन। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था, न कि पूछा गया कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो ये गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, सॉरी गवर्नर जो था वो कौन था, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ध्यान रखना इसी तरह के पेपर में भी क्वेश्चन मिलता है जो कि आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। 2 घंटा टाइम मिलता है यार, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से एक गलत है तो आपको इसको चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट जो है वो 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इसको ख़त्म किया गया था 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहाँ पे बात कर्जन की आई ही नहीं, तो यहाँ पे ये गलत है। लेकिन बाकी ऑप्शंस की बारे में बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, और ऑप्शन सी देखिए, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जिसको हम लोग व्यपगर्थ की सिद्धांत कहते हैं डलहौजी ने चलाई थी, तो ये पॉइंट्स भी करेक्ट हो जाता है। अगर ऑप्शन डी को देखें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इल्बर्ट बिल का विवाद जो था वो रिपन के साथ था। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत कह किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुआ था सफ़ेद विद्रोह। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोरे सैनिक थे उनके द्वारा किया गया था, इसलिए इस विद्रोह को कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट बनता है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमेश चंद्र दत्त। ठीक है फ्रेंड्स, रमेश चंद्र दत्त इस पुस्तक के लेखक है। मैं आपको बता दूं कि रमेश चंद्र दत्त जो है भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ और लेखक भी थे। रामायण व महाभारत के ये अनुवादक भी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। और सबसे पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक ये हैं, इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था, तो 1902 में लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, 1902 में, याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या बनता है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, इसका कारण क्या है। क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन को एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करना शुरू किया था। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया था। ठीक है, और इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियाँ बनाई गई थी, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 7 तारों का भी एक, यानी कि 7 स्टार्स थे इस पर अंकित किया गया था। लेकिन यह जो ध्वज था लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। क्लियर, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है,
निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुजक ए बाबरी। तुजक ए बाबरी को ही बाबर नामा कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि तू यानी कि तू, यहाँ पर भी तू तू, ठीक है फ्रेंड्स। तुजक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अच्छा, बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में कि कौन किसके द्वारा लिखा गया। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, और पदशाहनामा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। और इसमें शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन ए और कारण आर को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को न्यायालय में परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है, और इसे ही अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी आर मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार। अगला प्रश्न बनता है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं लागू होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ट्रिक इस तरह से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ अब इसके राइट आंसर का। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है। अब इसको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे दे रहा हूँ। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो कि चलना अनिल। चलना अनिल का मतलब ये हुआ कि इन चार राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो, तो इन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे लागू नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स? और ये चार राज्य कौन कौन से? तो चल का मतलब अरुणाचल प्रदेश, चल यानी कि अरुणाचल, ठीक है, चल अरुणाचल प्रदेश। ना का मतलब नागालैंड, और अनी का मतलब याद रखना कि अंडमान और निकोबार, ठीक है, इसी में एक ही साथ मैच कर दे रहा है। और लॉ का मतलब याद रखना लक्षद्वीप। तो इन चार राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती, यानी कि एससी नहीं रहता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 51 जो है वो भारत के विदेश नीति से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 233, देखिए 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श पर, ठीक है। और 312 क्या करता है? तो 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करता है। और अनुच्छेद 64 में क्या बात की गई है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एक करके मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन अगर डी यहाँ पे मैच कर रहा है तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट के साथ डी मैच कर रहा है। तो फर्स्ट का 4 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिया गया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद
जो कि 280 के तहत होता है, यानी कि ए का 3 होना चाहिए, सॉरी बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 यहाँ पे मैच हो रहा है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का संबंध जो है वह अनुच्छेद 360 के तहत होता है, क्योंकि संविधान में तीन प्रकार के अनुच्छेद दिए गए जो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय सॉरी वित्तीय आपात 352, 356, 360। तो 360 यहाँ पे वित्तीय आपात हो जाता है, यानी कि सी का फर्स्ट ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे मैंने ऊपर में बताया 312 अनुच्छेद क्या था, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी का 2 के साथ मैच बिल्कुल करेक्ट है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की किसमें स्पष्ट किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि राज्य वित्त आयोग है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, जिसके बारे में भाग 9 के आर्टिकल 243 में इसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को आप पढ़ेंगे और उसके बाद अपना राइट आंसर गेस करेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो इस पॉइंट में गलत क्या है, यहाँ पे गलत है, 2/3 सदस्य नहीं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को राज्यसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ और सदस्यता लेनी पड़ती है, तो ये पॉइंट्स भी राइट हो जाता है, ये पॉइंट्स करेक्ट है। तो यानी कुल मिलाकर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संसद के किसी भी सदन में अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेकर सदस्यता लेनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स 2 करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में पड़ता है, भारत चीन के सीमा के निकट नीलांग घाटी स्थित होता है, और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग होता है नीलांग घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरा जो है वो पोलैंड के साथ सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बोरा का जो संबंध है ये शीतकालीन हवा है, और ये कहाँ से संबंधित है, बोरा एड्रियाटिक तट से संबंधित है, लेकिन बाकी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्री में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था खामसिन मिश्र से, तो याद रखेंगे इस तरह से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैप में किस तरह से आपको एक त्रिभुज के ट्रायंगल बन सकते हैं, दिल्ली, आगरा, और अगर त्रिभुज को एक अगर मिलाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मैप बनता हुआ दिखेगा। दिल्ली अगर आप यहां देखो, जयपुर यहां देखो, तो आगरा कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि त्रिभुज टाइप का ये बन सकता है। क्लियर, तो इसलिए बोला जाता है कि स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तिलैया जो बांध है वो कोनार नदी पर नहीं बनाया गया, झारखंड में बनाया गया है, किस नदी पर, बराकर नदी पर, याद रखेंगे तिलैया डैम कहाँ पे, बराकर नदी पर झारखंड में, लेकिन बाकी ऑप्शन को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और कृष्णा सागर बांध कृष्णा नदी पर, तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद अपना राइट आंसर गेस करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए। देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, यहाँ पे बोला गया पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, ये गलत है क्योंकि इसका अपोजिट होता है,
पूरब से पश्चिम की ओर कम हो जाता है, तो ये पॉइंट्स गलत है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाली नम हवा पश्चिमी हवाओं का हिस्सा है, तो ये पॉइंट्स करेक्ट है। तो यानी कि कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन दो, केवल दो राइट हो जाता है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि ताप्ती पाक का तेल शोधक जो शाला है वो कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ताप्ती पाका तेल शोधक। कर अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चेन्नई में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या बनता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे के जलीय स्थान, इसको कहा जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदम साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में साहस दिखाने वाले लोगों को दिया जाता है, और इसमें 1,00,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है, कार्टाजेना पार्टा जो प्रोटोकॉल है किसके सुरक्षित उपयोग स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संशोधित जीवित जल जीव, ठीक है, संशोधित जीवित जीव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, इस वजह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस कारण से होता है, परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन व्यक्तिकरण, तमाम तरह के ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि घूर्णन गति, ठीक है फ्रेंड्स, घूर्णन गति, टेकोमीटर का प्रयोग घूर्णन गति के लिए किया जाता है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्रकार का कवक, सॉरी कवक नहीं, खमीर, या फिर इसको ईस्ट कह सकते हैं, इस वजह से होता है एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्मोमीटर के आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च गुणांक प्रसार होता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले फ़ारेनहाइट जो सॉरी थर्मामीटर का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो डच वैज्ञानिक डैनियल जी फ़ारेनहाइट के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और थर्मामीटर का आविष्कार पूछ रहे तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक परिजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपपरजीविता, ठीक है फ्रेंड्स, उपपरजीविता को इंग्लिश में कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है और इसमें दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बात करते हैं इसके राइट आंसर का, तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि माइकोप्लाज्म, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, और ये सबसे छोटा जीव होता है जो कि स्वयं खुद से ही विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या बनता है कि बैंक दर वह दर है जिस पर तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जो ऋण देता है वो बैंक दर पर देता है, उसी को बैंक दर कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए रडार का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाने के लिए। अच्छा एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रडार का आविष्कार किसने किया था, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ग्रीष्म काल में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के मौसम में जो बिहार के पूर्वी भागों में जो चक्रवाती तूफान आती है उसको नॉर्वेस्टर, काल वैसाखी और आम्र वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है। 1936 में बिहार में जमींदार के स्वाद, तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 1936 में बिहार में जमींदार के स्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बक्ष आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि नवंबर 1936 में यह चलाया गया था और ये किसके नेतृत्व में चलाया था, तो कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में ये चलाया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है, आज की स्कोरिंग आपकी क्या रही और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के लिए क्यूज क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, आप इस क्यूज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अपना राइट आंसर नीचे कमेंट करेंगे। गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।